प्रसाद लाएंगे, जितेंद्र प्रसाद के आने से फायदा क्या होगा? हम भी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कूद कूद कर कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेताओं को बुखार आया हुआ है कि पार्टी का उम्मीदवार अगर हार गया तो पता नहीं मोदी शाह नड्डा क्या हाल करेंगे। प्लीज बचा लो वरना कहीं का नहीं रहूंगा। इसी में एक नाम है पंडित जितेंद्र प्रसाद का। उनके पापा जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के ठीक ठाक बड़े नेता हुआ करते थे। अब चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे तो पहली बार ही सांसद बने थे तो मनमोहन सिंह ने मंत्री बना दिया था। 6 साल में 4-4 विभागों के मंत्री रहे, लेकिन 2014 में कांग्रेस की दुर्गति हुई तो संसद भी नहीं पहुंच सके। लेकिन जब 2019 में भी कांग्रेस का कल्याण नहीं हुआ तो बेचारे छटपटाने लगे और अंततोगत्वा भाजपा में जाकर सदगति को प्राप्त हुए। तब भाजपा बहुत जोर शोर से ब्राह्मण चेहरे की तलाश में थी। इधर मोदी ने दूसरी बार शपथ ली और उधर जितिन प्रसाद ने भाजपा की पर्ची कटाई। महीना था जून 2019 का। 6 महीने तक तड़पाने के बाद भाजपा ने उन्हें विधान परिषद भेजा और सितंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में टेक्निकल एजुकेशन का मंत्री बना दिया। जब चुनाव में केवल 3-4 महीने बचे थे, लेकिन कांग्रेस में मलाई काटने को ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने वाले जितिन प्रसाद को लग रहा था कि भाजपा में भी अपने हिसाब से चलते रहेंगे। लेकिन यहां उन्हें समझा दिया गया है कि यह कांग्रेस नहीं है। मंत्री वंत्री तो ठीक है, लेकिन चुनाव में परफॉर्मेंस नजर नहीं आया तो भाजपा के दफ्तर में एक बहुत बड़ा विश्राम कक्ष आप जैसे नेताओं के लिए ही हमने बनवाया हुआ है। इसलिए आजकल बेचारे बहुत परेशान हैं, दिन रात प्रचार करना पड़ रहा है और उनके कहने पर लोग वोट कर ही देंगे ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। इसी फ्रस्ट्रेशन में एक सभा में उनका दर्द उबलते हुए दूध की तरह छलक कर बाहर आ गया। जनसभा को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि रिकॉर्ड मतों से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताना है और संदेश देना है कि आप हमारी सुनते हैं। वो बोल बैठे कि अगर आप ऐसा करेंगे तभी पार्टी में हमारी इज्जत बचेगी, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे कि आए तो थे, फायदा क्या हुआ। आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया तो मैं अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। सोच लीजिए, नेतृत्व ने मुझे साबित करने को कहा है। यह तो जलवा आप देख रहे हैं ना, मंत्री का, गाड़ी का, बंगले का, संतरी सिपाही का, यह सब तभी तक है जब नेतृत्व का हाथ मेरे ऊपर है। और नेतृत्व का हाथ तभी तक है जब तक आपका हाथ है। आपने हाथ खींचा नहीं कि मेरा जलवा खत्म, न पद बचेगा और ना यह जलवा। हमारा भी सम्मान हो, बनना लोग कहेंगे जितिन प्रसाद के आने से फायदा क्या होगा। हम भी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पद। कांग्रेस का हाथ झटक कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद बार बार जनता का हाथ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि अब अपना हाथ कमल के डंठल में लगा दीजिए, इसी से हमारी इज्जत बचेगी, नहीं तो चुनाव के बाद मेरी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। बीजेपी का आदमी हारा नहीं कि मैं गया काम से। उन्होंने कहा कि कुछ सोचना नहीं है, जो मैं कह रहा हूं केवल उसको सुन लीजिए। जितिन प्रसाद ने कहा बस आपको लाम बंद हो जाना चाहिए, निजी स्वार्थ को छोड़ दीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि मैं कांग्रेस से बीजेपी में क्यों आया, मैं तो पापा की पार्टी छोड़कर टनाटन मंत्री बन गया। लेकिन आप अपना कुछ मत देखिए, आपके बदले मैं सब देख रहा हूं, क्योंकि यहां से संदेश जाना चाहिए कि जितिन प्रसाद के पीछे जनता एकजुट है और यह विधानसभा सीट हमारी है। दम पर जो कुछ भी मिला है और आप लोगों के विश्वास पे आगे बढ़ रहा हूं, और लामबंद हो जाइए, कोई आए या ना आए, पूछे या ना पूछे, छोड़िए अपने निजी स्वार्थ की बात, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए। कांग्रेस में निरंतर हारते रहने के बाद भी जितिन प्रसाद की ऐसी बुरी हालत नहीं हुई थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद पहले ही चुनाव में उनका आत्मविश्वास बुरी तरह से हिल गया है। जब मैं उसका नेतृत्व के सामने उसका सही बोना दिखा सकूं, असर क्या फायदा है जितिन। जितिन प्रसाद का यह रोना गाना सोशल मीडिया पर आते ही लोग मजे लेने लगे। पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा कि अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुए और तुम रो दिए, हर बागी का हिसाब होगा। अखिलेश त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा,
हारना तय है, चिंता मत कीजिए। ऊपर से नेता भी मानसिक रूप से तैयार है हारने के बाद भी आपकी शक्ल देखने के लिए, इसलिए परेशान ना हो। दिनेश सिंह नाम की एक शख्स ने लिखा कि जितिन प्रसाद के कॉन्फिडेंस का क्या हुआ, इतनी जल्दी गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में आ गए। इतनी बुरी हालत तो कांग्रेस में भी नहीं हुई थी आपकी। बीजेपी टारगेट बेस पर हायरिंग कर रही है क्या? हमारा भी सम्मान हो, मन्ना लोग कहेंगे जितिन प्रसाद के आने से फायदा क्या होगा, हम भी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पद। मयंक नाम के एक शख्स ने लिखा कि शक्ल दिखाने के लायक तो तब भी नहीं रहे थे जब अपने निजी स्वार्थ की वजह से आपने दल बदला था। अब कौन से लक्ष्य की बात कर रहे हैं और लोगों को अपना निजी स्वार्थ छोड़ने के लिए कह रहे हैं? अपना निजी स्वार्थ साध कर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। वाह नेताजी वाह। मैं आप लोगों के दम पर जो कुछ भी मिला है और आप लोगों के विश्वास से आगे बढ़ रहा हूं, और लामबंद हो जाइए, कोई आए या ना आए, पूछे या ना पूछे, छोड़िए अपने निजी स्वार्थ की बात, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए। मतलब ये तो कमाल ही है, लगातार हारते रहने के बाद भी कांग्रेस वाली बिंदास बेफिक्री हवा हो गई है और इसके बदले में चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। कांग्रेस में कुर्सियां तोड़ते रहने वाले साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि देखिए मैं काहिल नहीं कर्मठ हूं। अभी तो चुनाव शुरू हुए हैं, अभी पता नहीं कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी, और अगर इसके बाद भी हार गया प्रत्याशी तो अमित शाह पता नहीं किस तरह की क्लास लगाएंगे और कहां उठाकर फेंक देंगे। किसी ने सच ही कहा है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन यह डर कोल्ड ड्रिंक गटकने से नहीं जाता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद पेज पर जाइए, उसको लाइक कर दीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वहाँ भी हम मौजूद हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम ट्विटर पर भी मौजूद हैं, आर्टिकल 19 इंडिया नाम के हैंडल से आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। रिकॉर्ड मतों से मानवेंद्र सिंह जी को जिताना है और संदेश देना है, तभी तो हमारा भी सम्मान हो, मन्ना लोग कहेंगे जितिन प्रसाद के आने से फायदा क्या होगा, हम भी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पद। जब मैं उसका नेतृत्व के सामने उसका सही वो न दिखा सकूं, असर क्या फायदा है किसी को। मैं आप लोगों के दम पर जो कुछ भी मिला है और आप लोगों के विश्वास से आगे बढ़ रहा हूं, और लामबंद हो जाइए, कोई आए या ना आए, पूछे या ना पूछे, छोड़िए अपने निजी स्वार्थ की बात, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए। और यहां संदेश जाना चाहिए कि हम लोगों की वजह से गदरौल विधानसभा तो है ही, पूरे शाहजहांपुर में समाज लामबंद हो गया है। क्या पर्चियां पकड़ा रहे हैं।